मेरी एक प्रोफेसर से डिबेट हुई इसी हवाले से ना ट्रांसजेंडर और नाम नहीं लूँगा काफ़ी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे कहा कि देखें आप ह्यूमन एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं मैंने कहा हाँ लेकिन वो डार्विन वाली नहीं ये मैं ये पहले हम घरों में रहते थे अब हम बड़े ज़बरदस्त बिल्डिंग्स में रहते हैं पहले हम आ, हंटिंग करते थे गैदरिंग करते थे अब तो हम कॉपरेट जॉब्स करते हैं और इस तरह अपना रोज़गार हासिल करते हैं तो उस सेंस में सोशली हमने इवॉल्व किया है तो उसने कहा कि देखें इंसान ने बायोलॉजिकली भी इवॉल्व किया है सही है और इवॉल्व करके आप देखें ना इन पहले दो किस्म के इंसान होते थे अब तीन किस्म के इंसान हो गए हैं मेल फीमेल के अलावा भी अब एक नॉन बाइनरी किस्म के इंसान होते हैं तो देखें ये ह्यूमन एवोल्यूशन है और इस बात को उसने दलील बनाया कि इस्लाम इसको रिकगनाइज नहीं करता सही। और उसने कहा कि दिस मीन्स के इस्लाम इज इस एन आउटडेटेड रिलीजन सही आपने तो बात की ना कि ये शरीयत को तोड़ फोड़ देंगे ये शरीयत को खत्म करना चाहते हैं, हैं। सही और ये कहते हैं कि भाई तो मैंने कहा तो इसका आप क्या कहना चाह रहे हैं कहते हैं इसका ये मतलब है अगर इफ देर इज अ गॉड सही है तो तो जो शरीत मोहम्मदिया है जो अल्लाह के नबी शरीयत लेके आए थे उसका टाइम गुजर चुका है और उसकी दलील ये है कि उस जमाने में दो किस्म के इंसान होते थे हो इसलिए कुरान उनका एड्रेस नहीं करता अब तीन हो गए हैं तो ज्यादा नया नबी आना चाहिए नया कुरान आना चाहिए नई शरीयत आनी चाहिए फिर हम गॉड के एग्जिस्टेंस को मानेंगे और इसको फिर उसने आगे फर्दर दलील बनाया कि देयर इज नो गॉड तो ये सारा कुछ चल रहा है